वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आप अपने फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन दोनों की स्क्रीनों को आप आसानी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ला सकते हो। तो कैसे लाएंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जैसे कि अपने मैं कंप्यूटर में जाने के बाद एपावर करके ऐप है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए इसमें दोनों आपको वाईफाई कनेक्टिविटी और यूएसबी दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पहले मैं आईफोन को कनेक्ट करना चाहूँगा, तो आईफोन के लिए मुझे जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जैसे कि आपको ऑप्शन भी दिखाया जा रहा आसानी से कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डाटा से भी कर सकते हो, अब वाईफाई से भी और यूएसबी से भी आप कर सकते हो आसानी से। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं अपने आईफोन में जाने के बाद स्क्रीन मिररिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वहाँ पे आपका जो ये वाला ऑप्शन है ना, इसमें ये वाला ऑप्शन इसमें शो हो जाएगा। तो उसको मैं कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक के ऑप्शन पर करेंगे, उसी समय के बाद आपका स्क्रीन इस कंप्यूटर में शो हो जाएगा और ये कनेक्ट होगा आपका एक ही वाईफाई से। जैसे एक ही वाईफाई से आपका फ़ोन भी कनेक्ट हो और उसके दौरान आपका जो आईफोन हो वो भी एक ही से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन इसमें शो हो गई है। ये मेरा फ़ोन है जो जिसकी स्क्रीन आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में शो हो चुकी है, जैसा कि आप लोग आसानी से देख रहे हो। ये मेरा फ़ोन आपके सामने शो हो रहा है, कुछ भी ऑप्शन ऑन करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हो कि आपका फ़ोन इसमें शो हो रहा है। तो आप कुछ भी किसी भी प्रकार का ऐप आप बनाते हो तो इसमें ट्राई कर सकते हो आसानी से कैसे ये होगा। और ये था हमारा आईफोन कनेक्ट करने का तरीका। और इससे देखिए इसमें ऑप्शन भी है, कुछ गाने को हम बजा भी सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं दूसरा कोई गाना बजा देता हूँ, बट अपने जो है मैंने साउंड को ऑफ कर दिया है, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि नहीं तो गाने की वजह से मेरा वीडियो में कॉपीराइट ऑप्शन भी आ सकता है। तो अभी मैं इसे अपने आईफोन को डिस्कनेक्ट करूँगा, तो इसी ऑप्शन पर जाके यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है, मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरा आईफोन का जो स्क्रीन था इसमें शो होना बंद हो गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो इसमें वही ऑप्शन है, आपको इसमें एक आईफोन इसका जो पावर का ऑप्शन है ये वाला ऐप आपको उसमें भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी दोनों की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। तो मैं अपने फ़ोन में ऑप्शन उस ऐप को ऑन करूँगा, उसके बाद उसी नेटवर्क से हम कनेक्ट कर देंगे अपने उसी ऐप का यूज़ करेंगे, जिससे एक ही इसमें भी वही कनेक्शन होगा जैसे हमें वाईफाई कनेक्शन करना है। तो मैं दोनों को एक ही प्रकार से करूँगा। तो यहाँ पर मेरे में शो हो गया है, मैं क्लिक करता हूँ उसमें। और इसमें एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, दो ऑप्शन आता है इसमें, फ़ोन स्क्रीन का आता है, कंप्यूटर स्क्रीन का आता है। तो पहले मैं फ़ोन का दिखाऊंगा आपको उसमें। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो मेरे फ़ोन की स्क्रीन शो हो गई है इस ऐप में। देख लो आसानी से कुछ भी करना हो तो मैं आसानी से इसमें आपको बता सकता हूँ। देख लो आप आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हो। और अब इसको मैं इसे डिस्कनेक्ट कर। तो देख रहे हैं आपकी फ़ोन भी शो हो रहा है आपकी स्क्रीन में। और मैं चलता हूँ इसमें क्लिक करता हूँ कंप्यूटर वाले ऑप्शन में। जैसे मैं कंप्यूटर का ऑप्शन क्लिक करूँगा उसी दौरान मेरे कंप्यूटर स्क्रीन का जो वीडियो था आसानी से उसमें चलने लगेगा। देखिए यह कर्सर को मैं आसानी से अपने कंप्यूटर को चला रहा हूँ उसमें, जैसे कि मैं आपको दोनों में करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हो आसानी से मैं किसी भी ऐप को आसानी से क्लिक कर दूँगा तो ओपन हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए मुझे आईट्यून को ऑन करना हो तो मैं क्लिक कर देता हूँ आईट्यून को। देखिए मैंने इसी ऐप के माध्यम से दोनों को ऑपरेट किया है आसानी से। तो ऐसा आप कर सकते हो।